नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैन कंप्यूटर में। और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि ये वीडियो मेरा काफ़ी लेट आ रहा है। एक्चुअली में मेरा लैप ही ख़राब हो रखा है, जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आज ये जो भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मैं किसी और दूसरे के लैपटॉप पर कर रहा हूँ। तो अब तक हम लोग अपने आपका जो चैनल में आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारी है हिंदी में वेबसाइट को आप कैसे बना सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में मेरा ये अगला चैप्टर है जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हाइपरलिंक। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एचटीएमएल के स्ट्रक्चर, हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस वगैरह। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एचटीएमएल में हाइपरलिंक्स क्या होते हैं। हाइपरलिंक्स का मतलब होता है कि मल्टीपल पेजों को एक साथ जोड़ना। तो जब अगर मैं आपसे बात करूँ लिंक्स की, तो इसे हम लोग तीन तरह से यूज़ करते हैं। पहला होता है अगर आपके पास में जो आपकी जो वेबसाइट है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी पेजेस की है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं आपके एक्सटर्नल लिंक। इससे क्या करते हैं हम लोग, जो बाहर के जितने पेजेस होते हैं उसको एक पेज से कनेक्ट कराते हैं हम लोग। दूसरा होता है हमारा इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब होता है कि आप एक ही पेज में बहुत सारे पैराग्राफ बनाते हैं, और जब पेज को हम लोग स्क्रोल करके उन पैराग्राफ को देखना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि मुझे बार बार स्क्रोल ना करना पड़े। तो हमारे एक पैराग्राफ को इंटरनल में एक नाम दे देते हैं, और उस आई उसको हम लोग एज आईडी यूज़ करते हुए टॉप में एक लिंक जनरेट कर देते हैं। तो जैसे ही आप पैराग्राफ वाले आईडी पर लिंक क्लिक करते हैं, आप डायरेक्टली उस पैराग्राफ पे पहुंच सकते हैं। तीसरा होता है हमारा आई फ्रेम। आई फ्रेम हमारा एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप ऑडियो, वीडियो, एचटीएमएल फाइल और इमेजेस को भी कॉल करा सकते हैं। तो आई फ्रेम हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत दे रखी है तो उसको शो अप करना हो, तो हम लोग आई फ्रेम के थ्रू भी लिंक को बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो मैंने देखिए यहाँ पे कुछ फाइल्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं, इधर लॉइन की और द टाइगर की, ये देखिए, और ये हमारी द लॉयन की फाइल। तो मैं इन दोनों पेजों को एक मेन पेज से कनेक्ट कराता हूँ। चलिए नोटपैड अपना एक नया पेज ले लेते हैं, इसको सेव करिए अपना आप इंडेक्स नाम से। नाम दे दीजिए इसका इंडेक्स। तो इसको हम लोग एक पेज बना देते हैं, यहाँ से हम लोग डाल देते हैं अपना H1 अलाइन सेंटर में दी एनिमल वर्ल्ड के नाम से। com इस तरह चलते हैं। चलो तो मैंने यहाँ पे दिखाया स्टो में कि भाई वाइल्ड एनिमल यू, मैं इसको कॉल करा लेता हूँ अपना। तो जो उन्होंने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो, पहले मेरी उस वीडियो को देख लीजिए, बाकी आपको समझ में जाएगा यू एल क्या है हमारे, H1 अलाइन सेंटर सब क्या है हमारे। तो एल आई में हमने डाला यहाँ पे द टाइगर। दोस्तों जो सीरीज है बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं इन कोडिंग पार्ट में, आपका इंजीनियर कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाना जा बनाता हूँ। चलिए चेक करते हैं इसको जरा, हम लोग रन कराते हैं इसको। देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा एक पेज ओपन हो जाए। अब इसको क्या करना होगा, आपको इसके आगे हमें कोड लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको कोड के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देता हूँ उसकी। देखिए अलग से एक आपको एक यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं AHREF, और यहाँ पे डालना होगा अपने फाइल नेम विद एक्सटेंशन। ठीक है दोस्तों, तो देखना पड़ेगा कि आपका इमेज फाइल है, आपका वीडियो फाइल है, आपका ऑडियो फाइल है, या आपका स्ट्रीम फाइल है। तो यहाँ पर जो ए है वो होता है हमारा एंकर, एच है यहाँ पर आपका हाइपर, और REF है आपका यहाँ पे रेफरेंस। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा HRE बराबर आपका, अगर एस्टिमल फाइल है तो ABC जो भी होगा आपका डॉट एस्टिमल। इमेज है अगर आपका तो आपका इमेज का नाम डॉट JPG वट एवर जो भी होगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बनाता हूँ। आप तो HRE बराबर आपका टाइगर नाम से था, टाइगर डॉट HTML। देखिए और इसको आप यहाँ पे अपना क्लोज कर देंगे। तो बीच में जो मैंने लिखा हुआ टाइगर, आप इसमें इमेज के थ्रू भी आप इसको लिंक करा सकते हैं, अपना मर्जी आपकी है। HRE बराबर आपका लॉयन डॉट HTML, ये देखिए
चलिए इसको टेस्ट करते हैं अपना। चेक कर, नोटिफिकेशन आ रही है। ये देखिए दोनों में लिंक लग चुका है हमारा, क्लिक करते ही आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए अपना। और आपको मैं बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसकी जगह पे कोई भी इमेज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर एक इमेज डालता हूँ, कुछ भी डालूँगा फिलहाल, मैं भी आपका जरूरी हूँ टाइगर की हो का 12.jpg, वेट दे देता हूँ मैं इसकी 100, तो हाइट भी 100 आपकी। चलिए देखते हैं, इमेज तो मिलेगी नहीं मुझे, क्योंकि इमेज तो हमने कुछ डाली नहीं अभी यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको खोल सकते हैं अपना। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके अंदर में एक इमेज लगा देता हूँ अभी। चलो फिलहाल मैं अभी इसको डाल देता हूँ आपका। JPG हमारी, बस नाम चेंज कर देता हूँ इसका 12। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो कंटेंट के थ्रू भी आप लिंकअप करा सकते हैं और इमेज के थ्रू भी अपना। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सीरीज थी हमारी, जिसमें अपन लोगों ने सीखा कि हम लोग लिंक्स वगैरह इसमें कैसे करा सकते हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को और भी वीडियोस इसमें डालूंगा, तो फिलहाल अभी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं हाइपर लिंक के कुछ और भी यूजेस वगैरह बताऊँगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।